हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों कि जेल वार्डन और हॉर्स राइडर साथ ही साथ फायरमैन की जो आपकी वैकेंसी थी 16 वाली, ये वैकेंसी अभी फिर से आज इसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है यूपीपीआरपीबी के द्वारा, यानी सितंबर माह में आपकी परीक्षा है। मौका बहुत है, सीटें बहुत ज्यादा है। जितने लोगों ने इस फॉर्म को भरा है आप ये समझ लो कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया एकदम क्लीन चांस आ चुका है भैया। पूरी तरीके से लग जाना है, बहुत ढंग से पढ़ना है। आज मैं आपको सारी चीजें, जो चूंकि ये विज्ञप्ति बहुत पुरानी है अतः इसके जो सिलेबस है वह सभी से मिस हो गए होंगे, आज इन्हीं पर मैं परिचर्चा के लिए आपके सामने आया हूं। बाकी क्या कैसे इस पर होना है, टेस्ट सीरीज कैसे आपको होगी, फ्री क्लासेस कैसे होंगी, इन सभी के बारे में जानकारी के लिए आलोक सर आपके सामने आएंगे शाम में। ठीक है, अभी मैं आपको सिलेबस पर चर्चा कर रहा हूं, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सिलेक्शन कैसे लेना है, इन्हीं चीजों पर फोकस रहना है। तो सारे लोग फटाफट आ जाए, हम लोग अब क्या बात करने जा रहे हैं भैया। सबसे पहले देख लेते हैं कितने पद थे। पद इतने ज्यादा है कि इसमें सिलेक्शन लेना यह समझ जाओ कि आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। ध्यान देना है थोड़ी सी आपको बातों पर, ठीक है। ये जो वैकेंसी थी कब आई थी, 2018 के सबसे अंतिम माह में, दिसंबर में सबसे अंतिम में, जब आपका अंतिम दिसंबर जो है चल रहा था, एक तरीके से 18 जा रहा था, 19 की शुरुआत थी, उस दौरान ये परीक्षा आपकी आई हुई थी। यहां पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तब आपका एप्लीकेशन प्रारंभ हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म डाला था, कई लोग कई बार इसको पूछ भी चुके थे, अभी जाग चुका है। देखो अब यहां पर दो बातें कंफर्म हो गई, एक तो ये कि जेल वार्डन की परीक्षा सितंबर में, दूसरी जो ये चल रहा था यूपीपीआरपीबी के द्वारा कि जो आपकी एसआई की परीक्षा आने वाली थी, अब यह समझ जाओ कि एसआई की भी पोस्ट बहुत जल्द आएगी, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश आपका पुलिस बोर्ड है यह कार्य करना प्रारंभ कर चुका है। तो अब एसआई के आने की उम्मीद इसी साल में बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप लोग तैयारी पर ध्यान दें। आइए आज हम बात करते हैं। देखो भैया, टोटल जो पदों की संख्या थी जब यह आपकी भर्ती आई थी, 5,419 पोस्ट उस समय थे, 5,419, 5,500 वैकेंसी अपने आप में बहुत मायने रखती है, ठीक है। इसमें यह 2018 की बात थी जब यह वैकेंसी आई थी, यानी दिसंबर माह में, 19 में इसका जो है फॉर्म भरना बंद हुआ था। अभी इसमें देखें कितने कितने पद थे, तो जो जेल वार्डन की आपकी वैकेंसी थी इसमें मेल के लिए 3,012 पोस्ट थी, फीमेल के लिए 626 थी। इसमें इंटरमीडिएट मांगा था आपका, ठीक है, भूल गए होंगे तो वो लोग सब कुछ ढूंढ ले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह। और जो फायरमैन की वैकेंसी थी इसमें मेल के लिए 2,065 पद थे, बहुत ज्यादा। वहीं जो कांस्टेबल हॉर्स राइडर है यानी घुड़सवार है, इनके लिए 110 सीटें थी, यानी कुल मिलाकर जो पदों की संख्या थी भैया ये 5,419 पद थे इसमें उस दौरान, ठीक है। तो बहुत अच्छा मौका है आप सभी के द्वारा। आप सभी को क्या करना है, बहुत ढंग से पढ़ाई करना है परीक्षा प्लस के साथ। सारी क्लासें निःशुल्क होंगी, सब कुछ डिटेल आपको हम सब कुछ फ्री देंगे, ठीक है। तो यहां पर सारी तैयारी को करना है, जितनी चीजें थी इसमें जो मैंने बताया कैटेगरी वाइज, यहां जनरल की वैकेंसी जो दी है हॉर्स राइडर के लिए 51 थी, वही चीज फायरमैन के लिए देखे 1,034 है, 1,507 जेल वार्डन मेल के लिए था और फीमेल के लिए 314, मतलब जनरल में भी एससी में भी एसटी में भी वैकेंसियां भी बहुत है, 5,500 पद आसान नहीं होते हैं, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। आगे मैं सिलेबस पर बढ़ता हूं, क्या सिलेबस था इसकी विज्ञप्ति जो है, ये नवंबर 29 की बात है 2018, तब इसकी विज्ञप्ति आई थी भैया। आज जो विज्ञप्ति आई है उसमें यह कहा गया है कि सितंबर माह में इसकी परीक्षा आयोजित होगी, ये 2018 में 29 नवंबर को, ठीक है। फॉर्म इसकी विज्ञप्ति जारी की गई थी, फॉर्म भरना शुरू हुआ था, और जितने पदों के बारे में हमने बात किया वो सारी चीजें, 3,012 इसमें मेल के लिए पद थे, ठीक है, और उसके अलावा 626 जो पद थे ये फीमेल के लिए थे। ये आपका जेल वार्डन में था पुरुष और महिला को लेकर के, टोटल 5,400 यानी 5,500 वैकेंसियां हैं, ठीक है, जो आरक्षी घुड़सवार होते हैं, ठीक है। पुलिस पुरुष के लिए यह वैकेंसी पूरी अलग अलग थी, 102 पद है। बाकी चीजें जो थी ठीक है उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, ये तो सारी चीजें वो दिए हैं कि मतलब आरक्षण का क्या कैसे होगा, इन सभी से मतलब नहीं है। अभी हमें देखना है कि इनका भैया क्या सिलेबस क्या है, ठीक है। ये तो अर्हता सारी चीजें दी हुई थी, अर्हता आप जानते हैं 10+2 होना चाहिए था। आज हमें बात करना है कि जो आपका ये रिटर्न सिलेबस आपका दिया हुआ था उस दौरान वो क्या था,
ठीक है, तो इसमें लिखित परीक्षा होनी थी जो साफ तौर पर उस दौरान 2018 में आपका दिया हुआ था। यह कहा था कि जिनके आवेदन पत्र भैया सही पाए जाएंगे उनमें लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी मल्टीपल चॉइस की होनी है। एक प्रश्न पत्र होना है यानी भैया अपने आप का दमखम लगा दो। 300 अंक का पेपर होना है, टोटल जो है 300 अंक है। एक बात यहां ये निकल के आ गई, दूसरी इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता के प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना है। ठीक है, इतना भी होश में जरूर रहना है कि नेगेटिव मार्किंग में बहुत सारे प्रश्न तुक्कीबाजी में नहीं करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। ये तो इनके सिलेबस में हो गया, ये लिखा है 300 अंकों की परीक्षा है, नेगेटिव मार्किंग है। आगे ये देखते हैं कि इसमें क्या चीजें किसमें पढ़नी है, बल्कि हाइट वगैरह आप सारे लोगों ने जब फॉर्म भर रखा है तो सब कुछ जानते हैं। यहां पर हमें देखना है कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें हमें देखना है और टीम परीक्षा प्लस आपके लिए कैसे कैसे सारे जो है आपके सिलेबस को कवर कराएगी, तो उन्हीं के लिए हम लोग बात करने के लिए आप सभी के सामने आए हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे अब बात कर रहा हूं इनके सिलेबस और इन सारी चीजों के बारे में। ये तो सारी चीजें जो विज्ञप्ति आपके दी थी। देखो भैया, जो रिटेन आपका पेपर होना है इसमें पाठ्यक्रम क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, आपके सामने आ चुका है। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना, टीम के द्वारा इसमें सब कुछ 10 प्लस कोर्सेस हम निःशुल्क चला रहे हैं, आप सभी को मालूम है। तो उन्हीं के अंतर्गत सारे अलग से इसके लिए कोर्स लॉन्च होगा, जो आपका जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से विषय पढ़ने हैं जिससे परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, सफल बनना है, सामान्य विज्ञान आना चाहिए, भारत का इतिहास मालूम होना चाहिए, भारतीय संविधान यानी पॉलिटी हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृत और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी। ठीक है, उत्तर प्रदेश ढंग से पढ़ना है, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, मानवाधिकार क्या है, अतिरिक्त जो है आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद के मुद्दों को भी ध्यान रखना है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध कैसा है। ठीक है, आईआर का एक तरीके से हो गया, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, करंट आपका कैसा आना है, करंट भी आपको पढ़ना है। ठीक है, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों को जानना है, विमुद्रीकरण जानना है, उसका प्रभाव क्या होता है इसको जानना है, साइबर क्राइम क्या होती है इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी क्या है इसके बारे में मालूम होना चाहिए, पुरस्कार किसी को दिया गया, किसी को सम्मान दिया गया इसके बारे में भी आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, विश्व में देश है, राजधानियां क्या है, वहां की मुद्राएं क्या है, महत्वपूर्ण दिवस कौन से होते हैं, अनुसंधान एवं खोज क्या है, पुस्तक और उनके लेखक, यानी ये सब कुछ आपका करंट का मामला हो गया, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन इनसे भी सवाल पूछते हैं। तो जीएस में मूल रूप से अगर देखा जाए तो पॉलिटी पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना, वर्ल्ड जियो पढ़ना, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना, इंडियन हिस्ट्री पढ़ना, इकोनॉमी पढ़ना, यूपी पढ़ना, इतने सारे सिलेबस को करंट के साथ साथ हमें कवर करने हैं। इसके अलावा सामान्य हिंदी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो पुलिस बोर्ड होता है भैया, इसमें सामान्य हिंदी में यूपी ट्रिपल एससी के सामान्य हिंदी में फर्क है, हमेशा दिमाग में बना लो, यूपी ट्रिपल एससी कुछ और पूछता है, उसका सिलेबस अलग है, उत्तर प्रदेश जो पुलिस बोर्ड है इसका सिलेबस अलग है, दोनों को ध्यान रखना है। इसके सिलेबस में दिया है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, यानी हिंदी के साथ पाली, प्राकृत, ठीक है, जो है ये सारी भाषाएं, इनका विस्तार कैसे कैसे रहा, कौन सा क्षेत्र कैसा रहा, इन सब के बारे में जानना है। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान आपको होना चाहिए, व्याकरण के बारे में मालूम होना चाहिए, मतलब क्या क्या, हिंदी वर्णमाला आपको पता होनी चाहिए, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनाकर्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नात्मक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि, इन सभी के बारे में ये हिंदी के मौलिक ज्ञान कहे जाते हैं व्याकरण के, ये आपको आना चाहिए। तीसरा पॉइंट अपठित बोध है, यानी अपठित गद्यांश आएगा, वहां से आपको चुनना है। चौथा पॉइंट है प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, यानी रचना को जरूर पढ़ना है। पांचवा है हिंदी भाषा में पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया, करंट में भी दिया गया तब भी ये पूछता है, विविध, इसके बाद छह नंबर बसता है, उनमें आपका बहुत सारी चीज आती है, ठीक है, कौन सी रचना किसकी है,
ठीक है, कृतियों से संबंधित सवाल ये सब पूछता है, उपन्यास वगैरह हो गए तो वहां से सवाल ये सब विविध में आता है। ठीक है, आगे अगर देखें न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी जो होती है ये क्या होती है भैया, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो संख्यात्मक योग्यता होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें क्या करते हैं, इसमें नंबर सिस्टम आपका आता है, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, डेसिमल और फ्रैक्शन होता है, दशमलव और भिन्न, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एलसीएम और एससीएफ होता है। ठीक है, उसके बाद रेशियो आपका और प्रोपोर्शन होता है, अनुपात समानुपात, परसेंटेज होता, प्रॉफिट लॉस होता है, डिस्काउंट आता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, यूजेज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ, सारणी और आपका ग्राफ का प्रयोग, मेजर जो है मेजरेशन, अर्थमेटिक जो है कंप्यूटेशन से, और एनालिटिकल फंक्शन जितने होते हैं इनसे भी लिखा तो है, बाकी उतना नहीं पूछता है। ठीक है, दूसरा होता है मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी, इसमें तार्किक आरेख हो गया, सिंबल रिलेशनशिप हो गया, उसके अलावा जो आपका होता है परसेप्शन टेस्ट होता है, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट हो गया, लेटर नंबर सीरीज हो गया, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता हो गई, कॉमन सेंस टेस्ट हो गया, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण जिसको बोलते हैं, डायरेक्शन जो है सेंस हो गया, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा हो गया, और साथ ही साथ इनके प्रभावी तर्क भी आपसे पूछता है, और अंतर्निहित भावों का निश्चय करना यह भी सवाल आपसे पूछता है, तो यह इनके सिलेबस में है। चौथा जो इसका पार्ट आपका बसता है, चौथा पार्ट होता है मानसिक अभिरुच, बुद्धिलग्ध एवं तार्किक जो क्षमता होती है, इसको दो पार्ट में फिर से डिवाइड कर देते हैं। पहला हो जाता है मेंटल एप्टीट्यूड, मेंटल एप्टीट्यूड में इसमें एक तो चीज आती है निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए, क्या क्या चीजें, आपका जनहित का कोई मामला हो गया, लॉ एंड ऑर्डर कानून से संबंधित कोई व्यवस्था हो गई, सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर, अपराध नियंत्रण के बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है, उसके अलावा विधि के शासन के बारे में पता होना चाहिए, अनुकूलन की क्षमता, लिख तो बहुत कुछ रखा है इतना सवाल नहीं पूछता है। ठीक है, व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की, पुलिस सिस्टम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था क्या है यह जानना चाहिए, व्यवसाय के प्रति रुचि क्या होती है इन सभी को जानना, ठीक है, अल्पसंख्यकों के अधिकार के प्रति संवेदनशील रहना, लैंगिक संवेदनशील, ठीक है, जेंडर को लेकर के, इन सारी चीजों को आपको जानना होता है। दूसरा होता है बुद्धिलब्ध, इसमें अगर देखें इसमें भैया संबंध व आंशिक समानता पूछता है, ठीक है, परीक्षण से असमान को चिन्हित करना होता है, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण होता है, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि से सवाल होता है, दिशा ज्ञान परीक्षण होता है, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध होता है, ठीक है, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न होते हैं, समय क्रम आपसे पूछता है परीक्षण, वेन डायग्राम चार्ट टाइप टेस्ट पूछता है, ठीक है, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट इसमें आपका पूछता है, और क्रम में व्यवस्थित करना यह भी सवाल होता है। चौथा जो इसमें मतलब इसका तीसरा जो पार्ट है तार्किक क्षमता जिसको हम बोलते हैं, इसमें भैया समरूपता से सवाल होते, समानता से सवाल होते हैं, भिन्नता से सवाल होते हैं, खाली स्थान भरने से सवाल होते हैं, समस्या को सुलझाने से सवाल होते हैं, विश्लेषण निर्णय से सवाल होते हैं, निर्णायक क्षमता, ठीक है, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क हो गया, ठीक है, शब्द और आकृति वर्गीकरण हो गया, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला हो गई, इन सभी से अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता हो गई, इन सभी यह सब आपके क्या है सिलेबस का एक पार्ट है, तो इन्हीं को आपको ढंग से पढ़ना है। टीम परीक्षा प्लस टेस्ट सीरीज निःशुल्क क्लासेस पूरी की पूरी, कहीं पर भी आपको किसी की जो है क्लासेस से नहीं जुड़ना है, हम पूरे आपको निःशुल्क क्लासेस प्रदान करेंगे, उन सभी के बारे में शाम को आपको आलोक सर पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, कैसे आपको जुड़ना है टीम के साथ, क्या कैसे करना है, सारी चीजें आपको डिटेल में शाम में वीडियो मिलेगी। तब तक सिलेबस को एनालाइज करें, मन मस्तिष्क को कंट्रोल करें और टीम के साथ जुड़े, अपने हौसलों को जगाएं, जो मंद धार पड़ चुकी है उस पर फिर से लोहा पीटिए, ठीक है, तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।